जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ है ये क्या होता है और हम लोग तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचने में कितना समय लगेगा और पहले ये किसे दिया जाएगा और इसे किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है और ये भी समझेंगे कि क्या किसी को एक बार कोरोना वैक्सीन लग गया तो उसे दोबारा कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, ड्राई रन का मतलब होता है एक तरह से डेमो ट्रायल होता है कि उसमें वैक्सीन नहीं होती है लेकिन वैक्सीन की तरह ही हम लोग डमी को भेजते हैं कि कैसे उसको एक जगह से लाया गया। जैसे वैक्सीन तो एक जगह फैक्ट्री से बन के आएगी तो एक बड़े बड़े शहरों में क्या होगी, डंप करके उसे कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा, कोल्ड चेन में। अब इसके बाद इसे गाड़ियों में भर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, तो इसी ड्राई रन में ये ट्राई किया गया। अब इसके अंदर कोरोना की वैक्सीन नहीं है लेकिन सीसी है कोरोना वाली और इंजेक्शन वगैरह सब कुछ है जैसे कोरोना की वैक्सीन होती है। बस ये समझिए कि उस खाली डिब्बा है, उसके अंदर वैक्सीन नहीं है। अब इसके बाद अब इसको किस तरह से हम लोग को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ट्रांसपोर्टेशन करके हॉस्पिटल के मेन कंट्रोल के पास ले जाना है हॉस्पिटल में। अब इसके बाद से हम लोग को यहां पे किस तरह से जो वर्कर्स को दिया जाएगा हॉस्पिटल के अंदर जो रूम होगा जहां पर कोरोना को वैक्सीन लगाया जाएगा, तो उसमें लगाने के बाद उसको जैसे किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाया जाएगा तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर उसे वोमिटिंग, सर दर्द या फिर सांस में तकलीफ, थोड़ी बहुत समस्या आएगी। रीजन क्या है कि ये वैक्सीन जो है ना ठीक कोरोना का भाई ही है, मतलब जो वायरस हमारी जान ले रहा था ना इसी से मिलता जुलता है, बट वो इतना कमजोर कर दिया गया वैक्सीन के रूप में कि हमारे बदन में जिंदा रहेगा और जब तक जिंदा रहेगा तो हमारी बॉडी धीरे धीरे उसको देख देख के ढीठा जाएगी। नहीं देखते हैं कि हम लोग जिस चीज को बार बार देखते हैं उसे डर लगना छूट जाता है, तो हमारी शरीर उसे डरना छोड़ देगी, एक वक्त आएगा उसको पीट देगी। तो ये इस तरह से उसे ट्रायल किया जाएगा। देखिए, इसके जो वैक्सीनेशन होगा इसके कई पड़ाव हैं। जैसे सबसे पहला तो चीज ये होगा कि वैक्सीन जो कंपनी से बन के आ रही है उसका स्टोरेज, तो स्टोरेज से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम चीज हो जाती है। जो पब्लिक को मतलब होता है उसमें देखिए कितने फेजेज होंगे, तीन। सबसे पहले कि आपको कोविन नाम के एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, बिना इसके रजिस्ट्रेशन आपको वैक्सीन नहीं लग सकती है। जब आप इसे वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको एरिया बता दीजिएगा कि किस हॉस्पिटल या किस सेंटर पे आपको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। जब आप वहाँ आएंगे तो आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपके बैठने का जगह होगा कि कहाँ आपको रखा जाए, आपको बैठने की जगह बना दीजिएगा। ये एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव का काम रहेगा। उसके बाद आपका जब नंबर आए तो आपको हॉस्पिटल के अंदर ले जाके वहाँ वैक्सीनेशन लगाना, वो एक अलग टीम करेगी, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। जब वो वैक्सीन लगा देगी तो आपको एक अलग वार्ड में रखा जाएगा जहाँ आपको आधे से एक घंटे तक आप पर निगरानी रखेगी, वो एक अलग कंपनी, मतलब अलग एडमिनिस्ट्रेटिव उसका अलग है। तीन यूनिट के हिसाब से काम होगा। एक्चुअली क्या है, ये जो कोरोना वैक्सीन है ये स्प्रेड बहुत तेज से, कोरोना वायरस स्प्रेड बहुत तेज से होता है। अब मान के चलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वैक्सीन लगवाने आ रहा है उसी में से कोई एक पीड़ित हो, तो इसलिए इस सब चीज़ का खासा ध्यान रखा जाएगा। अब मान के चलिए कि किसी ने कोविन नाम के एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेट नहीं किया है और वो यहाँ पर पहुँच गया, तो गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ एक अलग काउंटर लगी रहेगी जहाँ पर उन्हें वहाँ जाकर वो कोविन नाम के एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड करा ले। उसे उस दिन तो मतलब वैक्सीन नहीं लगेगी लेकिन उसे आगे फर्दर का डेट बता दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि धांधली ना हो, जिन्हें मिलना चाहिए जो जेन्युइन है, जो तरीका उन्हें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले, पहुंच वाले, अमीर लोग धड़ाधड़ ले ले, बाकी लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो उससे बेहतर है भैया आप एप्लीकेशन लीजिए, आपका नंबर आएगा कराइएगा, नंबर नहीं आएगा तो चुपचाप बैठल रहिए, आप जाएंगे कहेंगे हमारा करा दीजिए, तो विदाउट इसके रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने इसका बखूबी ध्यान रखा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि रजिस्टर कितने लोग हुए ऑनलाइन और कितनी वैक्सीन आज खर्च हो गई, वो सारा डाटा रहेगा। इसमें धांधली की सवाल पैदा नहीं होती है, शुरुआत में तो नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, भारत की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसे एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप किया और कई देशों में इसका ट्रायल किया, बहुत लंबा ट्रायल किया। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका ह्यूमन ट्रायल मार्च के महीने में ही कर दिया था, जो पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी वैक्सीन पर इतना तेजी से काम किया गया था और वो काफ़ी लंबा समय लगा, लगभग एक साल का समय लग गया। फिर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका ट्रायल कर रही थी, आधार पुणे वाला जिसके हेड है, तो उन्होंने काफ़ी किया। अब उसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया, मान्यता मिल गया। तो जो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है इसे हम लोग कहते हैं कोविशील्ड। अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से मिलती है। अब जैसे अलग अलग देश ने अलग अलग वैक्सीन भी बना के रखी है, जैसे फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया। अब इन तीनों वैक्सीन में खासियत देखिए, सबसे बेस्ट अगर कहिएगा तो फाइजर है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी लगभग 98% ये अच्छा है, लेकिन इसकी समस्या क्या है, -70 डिग्री पर रखना है। भाई साहब उतना तो हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जाएगा तो दिक्कत हो गया वैक्सीन खोजने का। अब उतना ठंडा करने वाला फ्रिज खोलिए तो एक समस्या है। इसके साथ मॉडर्ना के साथ क्या है कि ये -15 से 20 तक रह जाता है, तो इतना तो कर
लेगा आदमी। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है भैया, एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड, जिसे हिंदुस्तान में किस नाम से कोविशील्ड के नाम से बेचा जाएगा, तो वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रह सकता है। वो तो नॉर्मल फ्रिज रहता है, 2 से 8 डिग्री पे नॉर्मल रख सकते हैं 6 महीने तक। तो ये हमारे लिए एक इतने जनसंख्या वाले देश के लिए सबसे बेस्ट है। अब ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में ये तीनों वैक्सीन है क्योंकि पहले से ही उसने करार कर रखा था। लेकिन वहाँ पर जो कोरोना का एक नया स्ट्रेन देखा गया है कोविड का, वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस वजह से ब्रिटेन के कई जगहों पर स्कूलों को तो फिर से बंद कर दिया गया, आंशिक रूप से वहाँ पर भी लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। भारत के लिए खुशी की बात यह है कि आज तारीख 3 तारीख को भारत में 2-2 वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया। इसे तो पहले दे दिया, उसके एक दिन बाद इसे भी दे दिया। ये ब्रिटेन में डेवलप किया गया है, वहाँ बनाया गया है, भारत में केवल ट्रायल किया गया है। लेकिन ब्रिटेन के पास इतनी मशीनरी नहीं है कि इसका प्रोडक्शन कर सके, इसलिए भारत को उसने कहा कि भैया तुम 5 हमको डोजेज बना के दो। और भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ डोज बना के रख भी लिया। किसका? कोविशील्ड का। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप की, मतलब ये केवल मैन्युफैक्चरिंग किया है, जबकि भारत की एक कंपनी भारत बायोटेक, इसकी एक अलग वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन। तो ये भी अब इसको भी मंजूरी मिल गई है, दोनों को इमरजेंसी मंजूरी मिल गई है यहाँ पर। अब देखिए समस्या क्या चीज़ है, इन्होंने जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन से जो समझौता किया था, इसके तहत कहा गया था कि जितने भी बनाएंगे उसका 50% इंडिया में रखेंगे, बाकी वो ब्रिटेन समझौते के हिसाब से कंपनी को दे देंगे। तो इनके पास 5 करोड़ अभी स्टॉक में है, 2.5 करोड़ तो इंडिया का ही हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि हम फरवरी से इसकी प्रोडक्शन और डबल कर देंगे। तो यहाँ पर आप समझिए, फरवरी से इसका प्रोडक्शन डबल नहीं, आप कहिए तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये डबल करेंगे तो भैया ये भी तो बन के रेडी है, ये भी डबल करेगा। और पूरी दुनिया में सबसे तेजी से वैक्सीन भारत ही बनाता है। तो अब भारत के लिए समस्या का थोड़ा बहुत निदान मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वैक्सीन को फर्स्ट फेज में 3 करोड़ डोज दिए जाएंगे और 3 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे। इसमें डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस के जो स्टाफ हैं, ड्राइवर हैं उन्हें, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस है, हमारी आर्मी है, डिफेंस है, या जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोरोना से कैसे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं डेली उन लोग से पहले उन्हें दिया जाएगा। और ये ज़रूरी भी है उन्हें देना, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगे तो ही हम और आप स्वस्थ रहेंगे। कितना मेहनत से उन लोगों ने 2020 का काम किया, 2020 तो समझिए कोरोना वॉरियर्स के लिए, मतलब उन्हीं ने ही बचा के रखा 2020 जो हम लोगों ने एंट्री मारा 21 में, उसके बाद फिर आम लोगों को दिया जाएगा। अब देखिए, ये वैक्सीन 100% कारगर नहीं है। कोई भी वैक्सीन अगर 50% से ज़्यादा कारगर हो जाती है ना, तो वो उसको माना जाता है कि नहीं ये सेलेक्टेड है। लेकिन ये वैक्सीन लगभग 70 से 80% है। ये भी डिपेंड करता है कि मान के चलिए मेरा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, हमें वैक्सीन दिया गया तो हमें 90% काम करेगा। किसी की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो उसमें वही वैक्सीन दिया जाएगा तो उतना नहीं काम कर पाएगा, ऐसा है। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर है कि ये अभी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहाँ कुछ नहीं था तो उससे तो बहुत अच्छा है। लगभग 26 जनवरी से मान के चलिए कि कोरोना वॉरियर्स जो मेडिकल स्टाफ है उन लोग को लगना चालू हो जाएगा, और फरवरी मिड तक में उन लोग को लग के ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के बाद, यानी फरवरी लास्ट से आम जनजीवन के लिए ये लगना चालू होगा। फिर सरकार डिसाइड करेगी कि पहले बच्चों को या बूढ़ों को या फिर बाहर जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं उनको दिया जाए। अब ये कोविन नाम के एप्लीकेशन पर आगे फर्दर प्लानिंग सरकार बताएगी। खैर, 2021 में कोरोना का अंत एकदम लिखा हुआ है, कोरोना भी खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर किया था कि 4 तारीख से आप क्लासेस को खोल सकते हैं। अब हम क्लास को 4 तारीख से नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। रीज़न क्या है, हमारे पास क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। अब इस क्राउड को रोकने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा यहाँ पर, और गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी ज़्यादा है। तो हमारे क्लासेस 10 तारीख के बाद ही चालू होंगे ऑफलाइन वाले क्लास में, बाकी ऑनलाइन की सारी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम उस तरह से पहले की तरह नहीं बैठा सकते। हज़ारों लड़कों को एक बार बैठा दो फिर छोड़ दो वहां पर, कभी कभी तो इतना जाम लग जाता था कि डर लगता था कि भैया कुछ हो मत जाए यहां पर। तो उस तरह की भीड़ अब नहीं रख सकते हैं जब तक कि कोरोना पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। लेकिन हाँ, जनवरी में आप लोग का क्लास 10 तारीख के बाद मान के चलिए ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।